ज्यादा से ज्यादा सांसद जन आपके से कार्यक्रम में भाग लें। और हमने संपर्क भी किया क्योंकि दोनों सदन अभी चल रहे हैं, कई बिल डिस्कशन में है, इसलिए हो सकता है अपने श्रद्धा अनुसार हमारे माननीय सांसद जन आ रहे हैं। लोकसभा भी चल रही है, राज्यसभा चल रही है। अभी माननीय सांसद बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे आयोजक गण हैं, सभी चाह रहे हैं कि केसरी देवी पटेल जी हमारे बीच में आई हैं। इस बार फूल पुर से सांसद आप चुनी गई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो सवाल है जो कि हमारे पत्रकार बंधु ने प्रकाश डाला था कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्री से पूरा हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, पूरी सोशल मीडिया और जितना भी देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमारे देश की पॉपुलेशन क्या कह रही है, हमारे देश की स्थिति क्या है। आरक्षण वहां जरूरी नहीं है जहां लोग संपन्न है, उनको रोजगार की या किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। हम सोचते हैं कि महाराष्ट्र में पहली बार कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज जी ने 1901 में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चालू की थी। और आज जो भी हम लोग हैं, 1942 में हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण की आवाज उठाने का काम किया था और उन्हें मौका मिला तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए संविधान व्यवस्थाएं की। उस समय के लोगों ने साथ दिया, बहुत से लोग उस समय, बहुत लंबी बात है क्योंकि हम संक्षेप में कहेंगे, इससे अंतर हो जाएगा। जो आरक्षण की स्थिति हमारी है, एससी की 15%, एसटी की 7.5%, ओबीसी की 27%, कुल मिलाकर के 49% आरक्षण है। लेकिन कौन सी वजह है, कितने संघर्ष करने के बाद जो आरक्षण हमें संविधान में व्यवस्था मिली, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग 1993 में आरक्षण मंडल कमीशन मिला, आज भी चाहे केंद्रीय सेवाओं में हो चाहे स्टेट की सेवाओं में हो, आज हमारा आरक्षण पूरा नहीं। सवाल ये है, आज हमारे बच्चे देश की लड़ाई, आजादी की लड़ाई किसी ने लड़ा? हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने लड़ा। हम आजाद हैं, हमको कोई आवाज नहीं, हमको कोई पता नहीं, हमें लगता है हम अपनी बदौलत आ गए, नहीं, अंग्रेजों को गुलाम था हमारा देश। उसी तरह से अपने आजाद देश में जो बहुजन, जो बहुसंख्यक समाज है, जो कमेरा समाज है, जो जिसको ओबीसी है, एससी एसटी कहते हैं, आज उनकी हालत क्या है? हम लोग तो पार्लियामेंट में लगातार डिबेट में भाग लेते हैं, बात करते हैं कि आज बहुत से लोग पैदा होते हैं तो उनके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और मर के चले जाते हैं तो भी उन्हें दफनाने के लिए उनकी खुद की जमीन नहीं होती है। आज भले तरक्की कर गए हैं लेकिन हमें आखिर पायदान में जो लोग हमारे लोग बैठे हैं पड़े, उनके बारे में आज प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आज स्थिति बहुत ही चिंतनीय है। तो ज्यादा लंबी बात ना करके हम ये कहेंगे, जो हमारे साथियों ने वी द पीपुल बनाया है,
उसमें इतनी बड़ी श्रृंखला में सब लोग जुड़े हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर आप लोग आरक्षण कम है मीडिया में चाहिए, लेकिन मीडिया में कितने लोग अपने लोग, मीडिया एक प्रचार का माध्यम होता है। अगर हमारा कोई ओबीसी का एससी का कोई व्यक्ति कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको सही ढंग से प्रचारित नहीं किया जाता, और अगर उसी में किसी दूसरे का फॉरवर्ड का है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है कि उसमें हमारी बात दब जाती है और हाईलाइट हो जाती है।